संभल में धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला बीते दिन का है, जहां दिनांक 18/5/2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद संभल कुलदीप सिंह गुनावत के निर्देशन में थाना बनिया ठेर पुलिस द्वारा छल कपट व धोखाधड़ी के एक अभियुक्त को दो मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में क्षेत्राधिकारी चंदौसी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। थाना बनिया ठेर पर एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने से दो व्यक्तियों द्वारा छल करते हुए उसका बैग बदलकर और मोबाइल लेकर टप्पेबाजी की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पर 143/24 अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त गण की पता रसी, सुराग रसी और साक्ष्य संकलन प्रारंभ किया गया। थाना पुलिस द्वारा तथा सर्विलांस के सहयोग से इस संबंध में एक व्यक्ति फैज मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद ग्राम सखानू थाना अलापुर जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से महिला का मोबाइल बरामद हुआ है। अभियुक्त से पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि अपने साथी लाल मोहम्मद पुत्र लाल खां निवासी सखानू के साथ मिलकर 13 मई को यह घटना कारित की गई थी। अभियुक्त के पास से मोबाइल तथा अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है तथा दूसरे अभियुक्त के लिए गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। तत्काल ही उसकी गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।